मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। आज की शुरू में एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ग्राम गांवड़ी में दो मंजिला मकान गिरने से दो मौतें हुई थी, जिसमें माँ और बेटी इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। इसी को लेकर उनके दुख में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री जाहिदा खान गांवड़ी में पहुंची और उनके परिवार से मुलाकात की। और यही नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए 1,00,000 रुपये उनके लिए दिए गए। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन को मृतकों की उचित मुआवजा देने की मांग की है। यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि इस योजना के माध्यम से इस परिवार की सरकार कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करे। तो दोस्तों, ये पूर्व मंत्री जाहिदा खान ग्राम गांवड़ी में पहुंची और ये जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कामा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गांवड़ी में दो मंजिला मकान ढहने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद घायलों से मुलाकात की और इंतकाल हुए माँ बेटी को खिराज अकीदत पेश की। इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अल्लाह मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और घायलों को शिफा अता करे। परिवार को इस विपरीत समय में मेरी तरफ से 1,00,000 रुपये की मदद है और लोगों से गुजारिश है कि आप भी मदद के लिए आगे आएं। राज्य सरकार और प्रशासन को मृतकों के उचित मुआवजे की कार्रवाई की पूर्ण करनी चाहिए। आपदा और उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष व प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से परिवार की सरकार के मदद करने की अपील की है। यह उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखकर डाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक पल पल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।